16-17 दिसंबर को मुकर्र की गई है। आज तो सुनवाई चूँकि वाद संख्या एक ही है, इसलिए जो उनके द्वारा तिथि मांगा गया तो वो तिथि 17 दिसंबर को दिया गया। क्या पक्ष रखा गया? पक्ष हमारे जो अधिवक्ता के नए से पक्ष बात कर लीजिए आप। जो हम लोग का पक्ष है बंधु जी के और प्रदीप जी के तरफ से जो हम अपीयर कर रहे हैं कि भाई तीन विधायक हैं थे JVM के, ये दोनों दो तिहाई होते हैं उनके, और इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया है तो इन्हें कांग्रेस के का विधायक माना जाना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ने भी चिट्ठी लिखा है स्पीकर को, ऑनरेबल स्पीकर को, कि भाई आप डिसाइड करें कि इनको किस पार्टी का विधायक माना जाएगा। तो हम यही पक्ष रखेंगे, लेकिन अभी आज कोई पक्ष नहीं रखा गया क्योंकि मामला जो है 17 तारीख के लिए बाबूलाल जी के अनुरोध के कारण 17 तारीख के लिए चला गया है। कुछ कागजात एक्सचेंज करने की बात हुई? हाँ, मैंने ऑनरेबल स्पीकर से रिक्वेस्ट किया है कि भाई जो बाबूलाल जी के तरफ से जो जवाब दाखिल हुआ है उसकी कॉपी एक हम लोग को भी मिलनी चाहिए ताकि हम उसका अध्ययन कर सके और अगले डेट में अपना पक्ष रख सके उनकी उनकी कॉपी को अध्ययन करने के बाद। आज हमने कहा है कि माननीय न्यायाधिकरण का जो नोटिस गया है, 10वीं अनुसूची का मामला बन रहा है इस संदर्भ में, तो हमने उसको चैलेंज करते हुए हाईकोर्ट में रिट याचिका फाइल की है जिसका फाइलिंग नंबर है WPC 5911/2020। हमने कहा कि चूंकि COVID-19 का समय है, हाईकोर्ट में फाइल करने के 48 घंटे तक केस का रिकॉर्ड को निकाला नहीं जाता है जब फाइल करते हैं आप, तो हमने फाइल किया है उसको 12 तारीख को, 12 नवंबर को, 13 नवंबर को कोर्ट बंद हो गई ये दिवाली और छठ पूजा के लिए, इस वजह से सुनवाई अभी नहीं हो पाई है। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम उस वजह पर टाइम नहीं देंगे, आप इस केस में तैयार होकर के 17 दिसंबर को आइए, हम बहस सुनेंगे। तो हम देखते हैं।